अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BS इंग्लिश नोट्स। टुडे द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इज लिटरल मीनिंग एंड फिगरेटिव मीनिंग, दैट इज़ आल्सो नोन एज फिगरेटिव एंड लिटरल लैंग्वेज। जो लिटरल मीनिंग है वो कैटेगराइज किए गए हैं लिटरल लैंग्वेज में, ठीक है, और जो फिगरेटिव मीनिंग है वो कैटेगराइज किए गए हैं फिगरेटिव लैंग्वेज में। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन द सीरीज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। टू अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच, हमें सबसे पहले जो लिटरल लैंग्वेज है और फिगरेटिव लैंग्वेज है, इन दोनों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन इंग्लिश वर्ड्स कैन हैव टू मीनिंग्स, वर्ड्स कैन हैव लिटरल मीनिंग एंड वर्ड कैन हैव फिगरेटिव मीनिंग। सो हम पहले देखते हैं कि लिटरल मीनिंग कौन से होते हैं। लिटरल मीनिंग्स आर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वर्ड्स का, उसे हम लिटरल मीन कहते हैं। और जो फिगरेटिव मीन होता है वो इट ड्रॉज द मेंटल पिक्चर ऑफ वट एवर इज बींग सेड। फिगरेटिव मीन जो होता है या फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है वो आपके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ करती है, ठीक है, एंड इट कन्वेज एन आइडिया फास्टर एंड मोर विविडली, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली बन जाता है। इसके अलावा जो आइडिया है आप बहुत जल्दी उसे समझ जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, जो लिटरल मीन है उसकी जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। ही रेन वेरी फास्ट इन द रेस, ठीक है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ लिटरल मीन। अब हम इसी को देखते हैं फिगरेटिव मीन में। ही रेन लाइक अ चीता इन द रेस, तो ये पढ़ने के बाद जब आपने पढ़ा ही रेन लाइक अ चीता इन अ रेस, तो यहाँ पे जो है योर माइंड स्टार्ट्स टू हैव एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ चीता, ठीक है। इस तरह से आपके माइंड में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फिगरेटिव मीन जो होता है, जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, उसे पढ़ के आपका जो माइंड है उसमें एक पिक्चर ड्रा हो जाती है, ठीक है। सो हेयर इट प्रूव्स। नेक्स्ट है दिस बैग वेज अलाउट, ठीक है, तो इसी को अगर हम फिगरेटिव में देखें तो दिस बैग वेज ऑटन। इंडीड तो ऑटन उसका वेट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है, लेकिन जब हम फिगरेटिव में देखेंगे तो ही इज़ ब्रेव एज लाइन। अब हम देखते हैं कि व्हेन टू यूज़ लिटरल लैंग्वेज एंड व्हेन टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरल लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाईली टेक्निकल स्टफ़ होगा, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, बिकॉज यू वांट द रीडर टू अंडरस्टैंड द स्टफ़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिटन। जो लिखा गया है आप चाहते हैं कि आपका जो रीडर है वैसे ही उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो आप लिटरल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। एंड व्हेन टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, मोर ड्रामेटिक, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, भी बनाने के लिए, ड्रामेटिक बनाने के लिए आप फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सच एज स्टोरी, पोइम और प्ले। दैट वॉज ऑल अबाउट फिगरेटिव एंड लिटरल मीनिंग इन अ लैंग्वेज। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, बिकॉज दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू।